यार गाइस, पता नहीं ये मुझे इतनी रात को ही टॉयलेट क्यों लगता है। ओ भाई साहब, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। यार अब मैं अकेला कैसे जाऊं बाहर। चौप, ओए चौप, यार उठना, मुझे टॉयलेट आ रहा है। ओ चिच यार, ये चौप तो उठ ही नहीं रहा। क्या करूं यार, पैंट में ही कर लूं? नहीं नहीं, अगर फ्रैंकलिन भैया को पता चल गया तो वो मुझे पीटेंगे। चलो बाहर ही करके आ जाता हूं। यार देखो तो सही, बाहर कितना सन्नाटा है। क्या यार, मैं भी बिना फालतू में डर रहा हूं। मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं किसी से नहीं डरता। चलो यहाँ पर कर लेता हूँ सुसू। रात को बाहर सुसू करने का तो मजा ही कुछ और है। ओ तेरी तो, ये और हमारी छत के ऊपर कौन डांस कर रहा है? यार ये तो कोई बूढ़ी औरत लग रही है। लेकिन ये इतनी रात को यहाँ पर डांस क्यों कर रही है? मेरी तो पैंट फट रही है इसे देखकर। कहीं ये कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? भागो यहाँ से। फ्रैंकलिन भैया, चौप जल्दी उठो, हमारी छत के ऊपर एक चुड़ैल डांस कर रही है। अरे सिंचन, क्या बकवास कर रहा है? चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे। हाँ सिंचन, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई, सो जा चुपचाप। अरे कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? फ्रैंकलिन भैया, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वहाँ भूत है। क्या यार सिंचन, तू भी ना इतनी रात को परेशान कर रहा है। चल बता कहाँ है भूत। चौप तू भी आ जा हमारे साथ भूत देखने। हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो। सिंचन अगर वहाँ भूत नहीं हुआ ना तो आज तेरी बहुत तगड़ी पिटाई होने वाली है। फ्रैंकलिन भैया मेरी पिटाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ सच में चुड़ैल है। अरे कहाँ है भूत बता तो सही। है अभी अभी तो यही थी वो चुड़ैल, कहाँ चली गई एकदम से? सिंचन मैं कह रहा हूँ पागल मत बना, मैं सोने दे चुपचाप, ऐसे ही हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। मैं तो इस टेंगू को पहले ही बोल रहा था कि कोई भूत भूत नहीं है इधर, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा। अब चुपचाप सो जा, ये तेरा वहम था बस और कुछ नहीं। ओ माय गॉड, ये और कौन है अंदर? ओ तेरी तो फ्रैंकलिन भैया, ये तो वही चुड़ैल है जो कुछ देर पहले अपनी छत के ऊपर डांस कर रही थी। सिंचन ये तो यहाँ भी डांस कर रही है। ओ मैडम कौन हो आप, और तुम हमारे घर के अंदर डांस क्यों कर रही हो? कहीं बाहर जाके नाचो। फ्रैंकलिन भैया मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से पुलिस को कॉल करो, वही इसको ठिकाने लगाएंगे। हाँ चो तू एकदम सही कह रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। फ्रैंकलिन भैया ये लेडी तो आपके पास आ रही है। पुलिस को कॉल करेगा तू? अब तो मैं तुझे ले जाऊंगी अपने साथ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं उड़ कैसे रहा हूँ? क्योंकि मैं तुझे उड़ा रही हूँ। अबे चुड़ैल, हमारे फ्रैंकलिन भैया को नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अबे छोटे से चुरमुरो, भूल जाओ तुम्हारे इस फ्रैंकलिन भैया को, क्योंकि अब मैं इसे मार डालूंगी। ओ तेरी तो सिंचन, ये तो हमारे फ्रैंकलिन भैया को उड़ा कर ले गई। यार चौप तुझे क्या लगता है वो हमारे फ्रैंकलिन भैया के साथ क्या करेगी? सिंचन मुझे तो लगता है वो हमारे फ्रैंकलिन भैया को मार देगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर वो मेरे फ्रैंकलिन भैया को मार देगी तो फिर मेरे लिए मैगी कौन बनाएगा? फ्रैंकलिन भैया रोज मुझे टेस्टी टेस्टी मैगी बनाकर खिलाते थे। सिंचन तू बस 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में तेरे लिए धमाकेदार मैगी बनाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया आप मेरे लिए मैगी बनाओ, तब तक मैं स्विमिंग पूल में डुबकी मारता हूँ। डुबी, कितना मजा आ रहा है। सिंचन आजा, तेरी मैगी तैयार हो चुकी है। हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं अभी आया। यार अब मेरे लिए कौन बनाएगा मैगी? अबे टिंगू, तुझे ऐसी सिचुएशन में भी मैगी की पड़ी है, चल कोई आइडिया सोच फ्रैंकलिन भैया को वापस लाने का। चौप मैं क्या बोलता हूँ, हम एवेंजर्स को कॉल करते हैं, वही फ्रैंकलिन भैया को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हेलो टोनी भैया, प्लीज हमारी मदद करो। अरे क्या हुआ सिंचन, इतनी रात को मदद क्यों मांग रहा है तू? दरअसल टोनी भैया, कुछ देर पहले हमारे घर में एक चुड़ैल आई और वो फ्रैंकलिन भैया को उठाकर ले गई। क्या बात कर रहा है सिंचन, कहीं वो साइबेरियन डांसिंग लेडी तो नहीं थी? है ये और कौन है? दरअसल साइबेरियन डांसिंग लेडी रात को डांस करती है, और अगर कोई उसे डांस करते हुए देख लेता है तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, फिर वो उसे मार देती है। क्या ये आप क्या कह रहे हो टोनी भैया? फिर तो वो हमारे फ्रैंकलिन भैया को भी मार देगी। सिंचन तू टेंशन मत ले, हम अभी आ रहे हैं उधर, और कैसे भी करके हम फ्रैंकलिन को वापस ला देंगे, और वो भी जिंदा। ठीक है टोनी भैया आप जल्दी आओ। सिंचन चल हम बाहर चल के एवेंजर्स का वेट करते हैं। हाँ चौप चल। अरे मुझे तो लगता है कि उस साइबेरियन डांसिंग लेडी ने अब तक फ्रैंकलिन को मार दिया होगा। नहीं नहीं स्पाइडरमैन, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे फ्रैंकलिन को नहीं मार सकती। बिल्कुल ऐसा हो सकता है हल्क, क्योंकि अभी तक वो जितने भी लोगों को अपने साथ ले गई है उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा है, सबको उसने मार डाला, इसीलिए फ्रैंकलिन का बचना मुश्किल है। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैंकलिन की किस्मत अच्छी हो और वो बच जाए। हाँ वो तो ऊपर वाले की इच्छा। अरे ये रहे मेरे बच्चे। सिंचन चौप तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है अल्प भैया, लेकिन
लेकिन फ्रैंकलिन भैया ठीक नहीं है। आप कैसे भी करके फ्रैंकलिन भैया को बचाओ। अरे तुम दोनों फिकर मत करो, हम कैसे भी करके फ्रैंकलिन को ढूंढ लेंगे। एक सेकंड हल्क भैया, ये और किसका कॉल है? ओ तेरी तो, ये तो फ्रैंकलिन भैया का कॉल है। क्या फ्रैंकलिन का कॉल? फिर तो जल्दी रिसीव कर। हेलो फ्रैंकलिन भैया, कहाँ हो आप? सिंचैन तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। दरअसल वो चुड़ैल जब मुझे अपने साथ ले जा रही थी तब मैंने उसके हाथ को काट दिया, फिर मैं नीचे गिर गया। अब मैं माउंट चिलियाड की पहाड़ियों के नीचे बैठा हूँ। तुम एवेंजर्स को लेकर जल्दी आ जाओ यहाँ। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, आप भाई रुको, हम अभी आ रहे हैं। फिर तो भाइयों जल्दी चलो माउंट चिलियाड की पहाड़ियों के नीचे। अरे हाँ चलो चलो, फ्रैंकलिन इतना बात और निकलेगा ये मुझे आज पता चला। उस चुड़ैल के हाथों से अभी तक कोई नहीं बच पाया, लेकिन अपना फ्रैंकलिन बच गया, मानना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे लगता है वो चुड़ैल फ्रैंकलिन को ढूंढ रही होगी। बिल्कुल हल्क भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। स्पाइडरमैन भैया, आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, क्योंकि अगर उस डांसिंग लेडी ने फ्रैंकलिन भैया को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ स्पाइडरमैन, और तेज चला गाड़ी को। अरे बिल्कुल सर जी, मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ। यार सिंचैन, मुझे तो डर है कि कहीं वो डांसिंग चुड़ैल हमें रास्ते में ना मिल जाए। अरे चौप, तू टेंशन मत ले, बोल आली ज्वेल। हैं, ये और क्या है? चौप, आली ज्वेल बोलने से हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। अच्छा फिर तो आली ज्वेल, आली ज्वेल। हल्क भी बोलेगा ऑल इज वेल। अरे स्पाइडरमैन, अब गाड़ी थोड़ी स्लो कर दे, क्योंकि अभी हम माउंट चिलियाड की पहाड़ियों के आसपास ही है। अरे टोनी भैया, फिर तो हमें आसपास बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया यही होंगे आसपास। बिल्कुल सही कहा सिंचैन ने, हमें आसपास ही ध्यान रखना चाहिए। यार ये एवेंजर्स और कब तक आएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस चुड़ैल की शक्ल इतनी भयानक थी ना कि मेरी तो पैंट गीली हो गई। ओ वेट, ये और कौन है? ओ शिट यार, ये तो वही साइबेरियन डांसिंग लेडी है। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गई? और देखो तो सही, कैसे अजीब तरह से डांस कर रही है। कहीं इसको पता तो नहीं चला है कि मैं यहाँ हूँ। यार अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, ये तो रुक गई डांस करती हुई। और ये क्या, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। लगता है इसने मुझे देख लिया। भले ही तू किधर भी छो, लेकिन साइबेरियन डांसिंग लेडी के आगे कोई नहीं टिक पाता। अब तो मैं तुझे खत्म ही कर डालूंगी। पूरी मैया रे, ये मेरे ऊपर गाड़ी किसने चढ़ाई? फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में, नहीं तो ये डांसिंग लेडी आपको मार देगी। हाँ दोस्तों अभी आया, चलो चलो। यार स्पाइडरमैन भैया, थोड़ी तेज चलाओ गाड़ी को, वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही होगी। वैसे फ्रैंकलिन भैया, आप ठीक तो हो ना? हाँ भाइयो मैं ठीक हूँ, ये तो अच्छा रहा तुम सही टाइम पर आ गए, नहीं तो वो मुझे मारने ही वाली थी। अरे ऐसे कैसे मार सकती है वो तुझे? अगर उसने तेरे ऊपर थोड़ी सी भी खरोच दिलाई होती तो मैं उसे जान से उड़ा देता। अरे स्पाइडरमैन ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी इतनी डोल क्यों रही है? पता नहीं टोनी सर, गाड़ी में कुछ दिक्कत है, शायद अभी हमको नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा तो फिर उतरो सभी। यार स्पाइडरमैन तू अपनी गाड़ी की सर्विस क्यों नहीं करवाता, ये मुसीबत में खराब हो जाती है। अरे कल ही करवाई थी टोनी सर, लेकिन पता नहीं ये कैसे खराब हो गई। वैसे स्पाइडरमैन भैया, आप इस गाड़ी को ठीक तो कर दोगे ना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सिंचैन डरो मत, ये गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या, हमारी गाड़ी अचानक से कहाँ चली गई? है अभी अभी तो यही थी, फिर कहाँ गायब हो गई अपनी गाड़ी? यार डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे तो लगता है कि अपनी गाड़ी को गायब करने में उसी चुड़ैल का हाथ है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, मुझे भी यही लग रहा है, जरूर उस चुड़ैल ने कुछ किया होगा। क्या ये सब उस चुड़ैल ने किया है? अगर वो चुड़ैल हल्क के हाथ लग गई ना तो हल्क उसे बहुत तगड़ा पीटेगा। ओ भाई साहब, उधर देखो, वो रही डांसिंग लेडी, देखो कैसे नाच रही है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसे देखकर, जरूर ये हमें मार देगी। अरे फ्रैंकलिन डर मत, देख हल्क इसे कैसे मारता है। क्या रे साइबेरियन डांसिंग लेडी, तू हमें डराएगी? आज तो हल्क तेरा खेल खत्म कर देगा। अरे बाप रे, इसने तो मुझे ही धो डाला। अरे छोड़ दे मुझे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसने तो मेरी टांगे तोड़ दी। क्या रे डांसिंग लेडी, तेरे अंदर बहुत पावर आ रही है ना, अब ये ले। नहीं नहीं एक और ले। अरे ये क्या, इस पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, मैं क्या मंदिर में लगी कोई घंटी हूँ जो कोई भी आके मुझे बजा देगा। अब ये ले। नहीं नहीं एक और ले। यार डिशोम डॉक्टर स्ट्रेंज, प्लीज आप कुछ करो, नहीं तो ये हमारी टोनी भैया को मार देगी। सिंचैन मेरे टेंगो, अभी तू देखता रहे मैं इसके साथ क्या करता हूँ। आबरा का डाबरा, जलेबी एंड फाफड़ा, सिंचैन है छोटा सा भुट्टा, बना दे इस लेडी को प्यारा सा कुत्ता। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे आसपास से रंग बिरंगे धुएं क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अब तू कुत्ता बनने वाली है, और वो भी प्यारा सा। अरे वाह, देखो तो सही, ये तो
जो सच में डॉगी बन गई। वाह यार डॉक्टर स्ट्रेंज, मान गए आपको, आपने तो सच में इसे डॉगी बना दिया। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज कोई मामूली इंसान थोड़ी है, ये बहुत बड़े मैजिशियन है। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, अब तो ये चुड़ैल डॉगी बन गई है, तो क्या मैं इसे शादी कर सकता हूँ? क्या चौप, तू क्या पागल हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे शिनचैन, इसमें गलत क्या है भाई, मैं तो कब से कुंवारा बैठा हूँ। बिल्कुल सही कहा चौप ने। रुक चौप, मैं अभी तेरी शादी करवाता हूँ इससे, लेकिन इससे पहले तुझे बंदर बनना पड़ेगा, आबरा का डाबरा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर स्टेन, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज आप मुझे बंदर मत बनाना, मैं आपके पैर बैठता हूँ। अरे नहीं बनाऊंगा मेरे बच्चे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। चौप क्या हुआ, डर गया?